चलो बेटा। हाँ सुन, मैं क्या बोल रहे, ये कंसाइनमेंट के जो आखिरी छोकरे है ना, वो भेजा रहो तेरे को, समझे क्या? तो अभी कंसाइनमेंट पूरा हुआ और अभी इसके बराबर डिलीवरी होने की है। ठीक है भाव। और ये जन्म में ये येड़ा है ना अंकुश, वो तो ये लोग तक पहुँचने का ही नहीं। ठीक है भाव, समझे ना? ओ भाव, ध्यान रख। शर्म तो नहीं आ रही होगी ना? हाँ, अभी से बात कर रहा हूं मैं। सब ठीक है ना घर पे? एक छोटी सी बच्ची को सुधार घर भेजकर अपने घर वालों से परिवार वालों से अलग करके हो गई तसल्ली सबको। अच्छा, लेकिन अगर आपका बेटा होता या आपकी बेटी होती तो फर्क पड़ता ना थोड़ा सा? नहीं, ये तो किसी और की बच्ची है ना, तो क्यों फर्क पड़ेगा तुम्हें? अब जाओ घर जाके वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर। अरे बहुत कमजोर है तुम सब की रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, छोटी छोटी सी बच्ची को ऐसे लाना था ऐसी जिंदगी पर। शर्म आनी चाहिए तुम सबको और लाना था ऐसी सत्ता पर। कोई काम नहीं है, जाओ सो जाओ सब घर जाके अपने बच्चों के साथ, खुश रहना। तुम्हारी बच्ची तो है ना? आर्या को वापस ला कर रहूंगी, पर कैसे? ए औरत को पहचानते ही? और इसका एक लड़का भी है, इसका बेटा। दो साल पहले इसका बेटा कुएं में गिरकर मर गया था। तेरी वजह से मैंने अपने लड़के को खोया, आज मेरी वजह से तूने अपनी लड़की को खोया। ये सब फिटूस। विषय संपला। सत्य भाऊ हमेशा जीतता है और उसके साथ पंगा लेने वाला हमेशा अटकते। आर्या गई हमेशा के लिए। साहिब। हाँ? ये ले पैसे रख खर्ची के लिए, तेरे को कुछ दिन के लिए काम आएंगे। साहिब, इतने साल का साथ है हमारा, जाते जाते आपसे कुछ बोलूं?
यार बहुत अलकट है तू बाटल देखना मेरे को मालूम है ना कोई पेतरा लगाएगी तू ऐसे मेरा सुनने का मूड नहीं है लेकिन फिर भी तू बोलती है तो बोल दे तन्मय अपने बाबा को आखिरी भेंट दे दे बेटा क्या दे रहे ये क्या है रे साहिब आप ही देख लीजिए एक बार शायद आपका मन बदल जाए दिमाग से नहीं बड़ा कर रही है तो बोलते ना कैदी की आखिरी ख्वाहिश वही पूरी कर रहा हूं मैं तेरी धोखा आपको सिर्फ दामिनी ने नहीं अंकुश ने भी दिया है क्या मालूम उसका क्या इरादा था वो आपके इस राज को कैसे इस्तेमाल करना चाहता था हो सकता है इसका असर आपके राजनीतिक कैरियर पे भी पड़े नहीं बात वही है ना साहेब हम तो अपने ना होकर भी अपने हैं और वो अपना खून होकर भी अपना नहीं है ना साहेब अभी क्या करेंगे आप वो लोग बाहर ही हैं इनको कैसे चकमा दूं सुनो सब ये जो लोग हैं ना वो बहुत गंदे बहुत बुरे हैं यहाँ से निकलना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी मैं जो बोलूं वो बिना डरे करना पड़ेगा हिम्मत नहीं हारना हाँ कोई भी आवाज नहीं करेगा ए, क्या हुआ? कुछ नहीं बस इसको थोड़ी सी लग गई जोर से लगी क्या आवाज नहीं आनी चाहिए एकदम चुप और सुनो खाना आ रहा है चुपचाप से खा लेना अभी हमें निकलना भी है आवाज मत करो हमारे पास बहुत कम टाइम है मेरी बात ध्यान से सुनो मुझ पे भरोसा रखो मैं जो बोलूं वो करो समझ गए मैं तुम सबको बाहर निकालूंगी वो जो मिर्ची है ना वो मैं उनके आंखों में डालने वाली हूँ और फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगी पर तुम लोग मत डरना मैं मदद लेकर वापस आऊंगी पुलिस को बुला के लाऊंगी ठीक है हम सब बच जाएंगे शत्रु पे जीत शत्रु पे जीत शत्रु पे जीत शत्रु पे जीत मैं बीमार थी फिर भी मैंने क्वार्टर्स खेला और जीती लेकिन एक लड़का कहता है कि मैं विनर नहीं हूँ सही बेटा एक लड़का ऐसा क्यों बोलता है सही ऐसी बात नहीं होगी वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा होगा जीती तो तुम ही हो ना पर क्या फायदा पापा तो मुझसे कुछ भी नहीं है उनका राज से बाहर आप है देखो जई आर्या सुधार घर में है ना इसलिए बाबा को चिंता तो होगी ही ना पापा ने मुझे एक बार भी हग नहीं किया मुझे नहीं रहना यहाँ पे जई जई
आपकी मदद करूं? क्या करने का इरादा है? और क्या चल रहा है तेरे छोटे से दिमाग? चल रोटियां लगा। इसलिए मेरे को लड़की नहीं चाहिए थी। अरे मैं ये छोकरे लोग होते ही पराई है, शादी होते ही ना निकल जाती। इसके लिए लड़का चाहिए था मेरे को। मैं कौन है? शेर है ना, तो शेर शेर को जन्म देता है, और फिर छोकरी हुई ना तो मैं उसका गला काटती हूँ। वो आर्य को भी उसकी आई के पास जाना पड़ेगा। मार डालेगा मैं उसको, जैसा उसकी आई को मारा था मैं। वैसे ही मार डालेगा मैं। पापा छोड़ दे इसको। खुश रहो तुम। ये जान रहे हो? टेंशन मत ले, कहीं नहीं जा रहे हम माँ बेटा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.